आदमी बहुत प्रतिक्रिया और महत्वपूर्ण बच्चा अपना सुरक्षित रूप से अभी पटपना है। सेवादार जी के प्रयास सभी महंतों ने बालाजी का बहुत डेवलपमेंट किया, प्रचार प्रसार किया। इसके बाद हमारे महान प्रयागराज जी 1900 हुए, उन्होंने 47 वर्ष तक पीठाधिपति के पोस्ट पे रहे और रोड बनाया उन्होंने, रेलवे स्टेशन लाए तिरुपति में। भगवान दास जी ने रेलवे लाए हैं। इसके पश्चात प्रयागराज जी ने रोड का निर्माण किया, गोल्डन टेम्पल बनाया है और सभी प्रकार के पब्लिक की सुविधा के लिए धर्मशालाएं अन्य क्षेत्र था, गरीबों को वस्त्र दान करने की प्रचलन चलाया है। प्रयागराज जी जब कुछ को इसे पब्लिक में आपस में कराया हुआ, उन्होंने ईडी रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट बना दिया और अलग कर दिया, उसका भी कारण करता स्वयं आप ही थे। इसके पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, उसमें हिंदू मठ और मंदिरों के लिए उसमें उन्होंने बहुत विरोध किया। ये मठों के लिए जो एक बनाया जा रहा है, इससे मठों के लिए बहुत नुकसान होगा, उसके विरोध में उन्होंने बहुत लड़े। इसके पश्चात उनका शरीर शांत हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद में अभी हाथीराम मठ आपको सभी संत महापुरुषों को आचार्य भावों को ज्ञान है, इतना कड़े एक लगा उसको किसी ने विरोध नहीं कर रहा। आज भी देखा मैंने कितनी चर्चाएं चलते हुए इनके सिर पर मठाधिपतियों की तलवार लटकी हुई है, वो थोड़ी गलती करके महंतों को सस्पेंड डिसमिस कर देते हैं। जैसे सारा दिन पुजारी लोग भीख मांगते हैं, शाम को उसका धन का उपार्जन इंडोमेंट अपीसा लोग कर लेती है। अवश्य इसी प्रकार मठाधिपति सारा जिंदगी धन संचय करते हैं और थोड़ी गलतियां धर करके उनको सस्पेंड डिसमिस कर देते हैं। ये सभी मठाधिपति को सम्मिलित मालूम है, ज्ञान है, इसके बारे में नहीं ले रहे कि हमारे ऊपर क्या संकट है, उसको नहीं सोच रहे। इसके पश्चात क्या हुआ कि हमारे मठ में श्री बांध देवेंद्र जी से गए थे, उन्होंने जीत करके आए, 2-4-6-1-5 साल रहे, उनको सस्पेंड कर दिया झूठे गलती लगा करके। फिर उन्होंने वो पोस्ट में निर्माण हुए कोर्ट के अदालत के द्वारा, उसके बाद फिर उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगा दिया, उन्होंने चेला को महंत को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद अपने राम ने पटिशन डाला कोर्ट न्यायालय ने, हाई कोर्ट से आर्डर मिला, उसमें भी नहीं दिए, फुल बेंच में डाला फिर नहीं दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। उसके पश्चात जो जाने से चीफ जज ने सिंह चीफ जज साहब थे, उन्होंने मठ में इंक्वायरी कराया, ये डिपार्टमेंट मठ में क्या इतना इंटरेस्ट है, तो उसमें विजिलेंस रिपोर्ट दिया कि जितने कस्टूडेंट हाथीराम मठ में गए हैं वो सभी करोड़ों रुपए का नुकसान किया है, मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट किया है, करोड़ों 2-5 करोड़ बेच दिए, वो नुकसान किया। चीफ जज ने यही आर्डर दिया, जितने कस्टूडेंट एक ही से अपने राम हाथीराम मठ में महंत के आसीन हुए हैं और जब से अपने हाथ में मठ का इंचार्ज मिला है तब से सभी धार्मिक कार्य हो रहा है, मठ का निर्माण कर रहा हूँ अच्छी ढंग से। अटम्परवली सेक्शन 53 में परमानेंट मान वैकेंसी मठाधिपति को अपॉइंटमेंट करती सीट में, इसलिए अभी आंध्र प्रदेश में इतने मठ खाली हुए, सस्पेंड तो कर देते लेकिन महंत अपॉइंटमेंट नहीं करते, उनके ये कन्या की सस्पेंड करना तो महंत भी अपॉइंटमेंट करना, वो खाली मठ पड़े हुए हैं, उनकी प्रपंचों को मनमोनी बेच रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, साधु समाज की सारी संस्कृति का छोड़ रहा है प्रकार से। तो गाने का मतलब सनातन धर्म तो एक अनाधिकार, इसका कोई कोई बिंदु बाधाएं आती, साक्षात नारायण रक्षा करते हैं, जैसे भगवान की रक्षा किया, उसीलिए साधु समाज आचार्य भाव से हमारा यही वेतन है कि जो हमारे यहाँ प्रदेश में हिंदू एक लागू है, रिपीट वन को अवश्य निकालना चाहिए, तो कोई प्रांत नहीं है।